ब्लाउज था, हम कई दिनों से ब्लाउज दिखा रहे हैं आप लोगों को, ब्लाउज सिखा रहे हैं हम। तो इसमें क्या मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन में जो फैशन डिजाइनिंग कोर्स आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और घर में बैठकर एक दो घंटा, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो दिन में 6 घंटा हमारा चैनल को देते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं घर में बैठकर। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को सिखाने के लिए बहुत सारा टेक्निक और बहुत सारा पार्ट हमने पहले कर चुका हूँ, और नेट में देने के लिए वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। और क्या करना है, मैं पहले ब्लाउज आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसके बाद हमारा जो प्लेन कट है और एलिट कट है, ये दोनों ब्लाउज का बेसिक हमको आप लोगों को सिखाना है। उसके बाद हम चला जाएंगा डिज़ाइन में चला जाएंगा, उसके बाद हम चलेंगे नेक में चला जाएगगा, और ड्रेपिंग, फिरेल, जो कॉर्डेड प्लीट है, वो बहुत सारा टेक्निक होता है ना, उसे हम कैसे करते हैं, ये 1000 टेक्निक में चला जाएगा। उसके बाद हम कुर्ती में जाएंगे, उसके बाद हम डांस ड्रेस में जाएंगे, कॉस्ट्यूम पे वैरायटी टाइप ऑफ ड्रेस। यू कैन वॉच माय चैनल। तो बाद में वो सब धीरे धीरे हो जाएगा, पहले ब्लाउज हम करेंगे, एंड करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो छोट टर्म दूसरा हम नहीं करेंगे फ्रेंड, चैनल में देखते रहिए, बहुत सारा डिज़ाइन आपको सीखने के लिए मिलेगा। और मैं सिखाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों को सिखाने के लिए फ्रेंड बोल रहा हूँ। आप लोग जब इंस्टीट्यूट में और अगर कोई भी जगह सीखने के लिए जाते हैं ना, जो लोग अपने मुंह से नहीं बोलते हैं और सिर्फ दिखाते हैं, आप लोग कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपका रुपया ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, रुपये ही चला जाएगा, सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा फ्रेंड। तो इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ आपको सिखाने के लिए दौड़ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ अब ये करे ये ना करे, तो ये चीज़ को आप अच्छी तरह से ध्यान में ले और ठीक से करें, ठीक है। तो आपको सिखाने के लिए मैं ये समझा रहा हूँ, मैं फालतू में बकबक नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए, ठीक है। तो एलिट हम कैसे करते हैं, एलिट का भी एक मेजरमेंट है। तो ये है हमारा एस का मेजरमेंट है, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एस एंड है इसका, और हम नीचे हम हाफ पिंच से भी कम हम यहाँ पर एक मार्जिन हमने लेकर रखा है यहाँ पर, और ऊपर में हम दे रहे हैं फ्रेंड हाफ पिंच दे रहे हैं यार इसमें, ठीक है। ये क्यों हम दे रहे हैं, ये क्या करें हम, ये सभी हम आप लोगों को कटिंग करने के वक्त हम सिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं ज़्यादा बकबक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड तो ये समझिए मेरे बात, जो मैं क्यों बात कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपको मालूम हो जाए तो आप ये ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एलिट होता है ना, तो एलिट का क्या होता है, मतलब एलिट इस तरह होता है, देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि हमारा सिंस कितना जाता है यहाँ पर, ये देखिए ज़्यादा हो गया। अगर ये इसमें सिर्फ हाफ इंच हम लेंगे तो कम पड़ जाएगा, फ्रंट पर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम ये एलिट को हम नीचे से हम हाफ रखा है और ऊपर से हम हाफ रखा है, ठीक है। अगर ये हम ऐसा दिखेंगे तो ये दोनों ऊपर चला जाएगा, इसलिए टोटल सिम इस पर चला जाएगा। तो ये मेरा पैटर्न भी यही है, जो नीचे और ये हम सीधे जब आपको दिखाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो आपका पैटर्न सही है मान लेना, ठीक है। और पैटर्न को आपको मिलाना चाहिए आप लोगों को। और फ्रेंड ये जो मेजरमेंट होता है ना, ये इसका और इसका जो पैरेलल आप करोगे, ये पैरेलल होने के बाद थोड़ा सा ऊपर कर लेना है एलिट का पार्ट है, इसका भी एक मेजरमेंट है। और ये कैसे हम करें, कैसे डाई करें, ये इसका भी एक बहुत सारा मेजरमेंट है। तो फ्रेंड मैं डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके द्वारा आपको इतना क्या करना है, उसके बाद ये इतना कर लेना है। ये देखिए हमारा जो पैटर्न है, ये फेम हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको कटिंग करके उसको मेजरमेंट बनाना है उसमें, और इसको हटा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ठीक है, इधर सीम्स के लिए हमको हाफ इंच लेना पड़ेगा, और ये पूरा सीधा हो गया, ठीक है। हम देखेंगे मेरा जो ये पैटर्न हमने बनाया है, ये कितना दूर तक ओवरलैप हुआ है इसमें,
ओ सब ठीक है, ठीक है तो ये सब ठीक है, मगर एक चीज ठीक नहीं है। जो चीज है ये देखिए, जो मैंने शेप दिया है ना, जो एस का ये शेप ऐसा होता है, जो डॉट का होता है फ्रंट पर डॉट होने के बाद ऐसा दिखेगा, तो इस तरह हमने ये शेप आपको देना पड़ेगा, ठीक है हो गया। और एक चीज आपको देखना है, ये देखिए आपको 32 का ये जो मेजरमेंट होता है, कहीं कहीं 6 होता है, कहीं कहीं 6.5 होता है, तो आप समझिएगा जो आपका जो बास्ट का जो मेजरमेंट है ना, जो कस्टमर के लिए आप बनाया है, ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है। और फ्रेंड तो एक चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए, अगर आप मेल हो तो हमारी तरह हम जैसे माप लेते हैं आप भी ऐसे लगते, अगर फीमेल हो तो आप बस कभी माप इस तरह ले सकते हैं, ठीक है। हम तो मेल लोग हैं तो हम लेडीज का इस तरह माप नहीं ले सकेंगे, तो इसलिए हम लोग जो हमारा फार्मूला दिया है ना आप लोगों को, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिया है, आप इसे फॉलो कीजिए तो ठीक से कर पाओगे, एवरीथिंग होगा। पहले ये एवरीथिंग का फार्मूला है फ्रेंड हमारा पास, तो मैं पहले ब्लाउज दे सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बाद में जो जो दिखाएंगे उसका भी बहुत सारा टेक्निक है फ्रेंड हम दिखाएंगे। तो एलिट का हो गया, अब हम कटेंगे फ्रेंड ये जो कटर ये है ना, ये कटर को हम दिखाएंगे जो कैसे करते हैं। और जो अभी तक मैंने आप लोगों को सिखाया, ये चोली कट का भी एक है और कटोरी का भी एक है, और इससे आगे हम जब बनेंगे हम तो ये हम दिखाएंगे, जो ये कटोरी है ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है तो ये हम बाद में दिखाएंगे फ्लेट, पहले हम जो स्लीव्स है स्लीव्स काट के हम रखते हैं, उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हम स्लीव्स करते हैं, तो फ्रेंड अब स्लीव्स हम देखें, कस्टमर का स्लीव्स कितना लिखा है, स्लीव लेंथ फ्रेंड इसमें लिखा है जो 15.5 लिखा है, अराउंड 9 इंच लिखा है, तो फ्रेंड ये हम नहीं करेंगे। और हम ये जो मैगी हाथ हम दिख रहा है ना, ये कस्टमर का हम दोनों मेजरमेंट ले लिया, एक 3/4 का और एक मैगी हाथ का, तो मैगी स्लीव्स का। तो फ्रेंड हमने बहुत सारे ब्लाउज इसका बनाया है हम, इसकी बनाए हैं हम, तो इसके लिए हम ये हम ट्यूटोरियल दिखा रहा है, हम 3/4 नहीं कटेंगे, हम शॉर्ट में कटेंगे। जो मैगी का मेजरमेंट है जो फुल लेंथ 3.5 है और इसका राउंड है 11.5, ठीक है। तो हम पहले लेंगे 3.5 लेंगे हम, ठीक है 3.5, तो 3.5 तो हम नहीं ले सकेंगे क्योंकि आपको इस तरह करना है, ठीक है। ऊपर में एक सीम्स देना है और नीचे में ये 3.5 है, ये करना है, ठीक है। ये मेजरमेंट हो गया और इसका भी एक मेजरमेंट हो गया, और इसे हम आप लोगों को बता दे चुका हूँ पहले, तो इसका किस तरह से थान लीजिए, हम इस तरफ करना है, इस तरफ करना है, इस करना है, तो इसके लिए फार्मूला है फ्रेंड तो मेरे पास, तो हमने दे चुका हूँ आप लोगों को। स्लीव्स का जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग 1/4 ऑफ बस्ट माइनस 1.5 और 1.5 कर सकते हैं अब, ठीक है। तो हम लोग बस्ट 8 लिया है, ठीक है, और हाफ 1 इंच लेंगे हम, ठीक है, और 1 इंच से भी हम ये इतना सा कम लेंगे हम, इसका भी बहुत सारा बजाय है आप फ्रेंड, तो धीरे धीरे समझ जाएंगे ये मैं क्या कर रहा हूँ ये। और इसका भी एक मेजरमेंट है, ठीक है 1/8 ऑफ बास्ट, ठीक है।